हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग YouTube फैमिली, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। सो आज हम जा रहे हैं नए जिम, मेरे गुड़गांव के एरिया में न्यू जिम खुला है। बिफोर आई वॉज गोइंग टू चिजल, सो चिजल की मेंबरशिप ओवर होने वाली है 3-4 दिनों में, सो आई हैव टू फाइंड अ न्यू जिम। और कोरोना टाइम भी चल रहा है तो थोड़ा मैं सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ जहाँ पे ज्यादा क्राउड ना हो। सो मैं अब जाऊँगा क्रिस गेथिन्स जिम, नया खुला है यहाँ पे। सो लेट्स गो देयर एंड आई विल शो यू द जिम। एंड वहां पे आज होगा चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट जो कि हम बहुत मैसिव करेंगे। सो लेट्स गो देन। सो इस जिम की सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटिंग चीज है वो ये है कि यहाँ पे ये जिम है मॉल में, तो ये लगाने पड़ेगी गाड़ी हमें नीचे और इतना हेडेक उठाना पड़ेगा। अब ऊपर जाके जिम दिखाते हैं आपको। सो हम नए जिम आ चुके हुए हैं एंड आई एम डूइंग माय कार्डियो और मैं ट्रेडमिल इतना सुंदर है कि आपको दिखाते हैं ट्रेडमिल। आई एम रियली एक्साइटेड एक्चुअली। दिस इज हाउ ट्रेडमिल लुक्स, ऊपर से लाइट आ रही है। ओवरऑल जिम आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा जिम है, वेरी ह्यूज जिम। So this is how the gym looks, massively big. ये सारे dumbbells हैं, इतने सारे benches, machinery is very good, and ये cardio section है पूरा massive. So now I'm starting my workout. अगर मैं shoot कर पाया तो मैं बिल्कुल करूँगा। I'm not sure right now, but let's hit the workout now. तो जिम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अभी मैं घर जा रहा हूँ एंड घर जाके मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट अभी रोड पे यहाँ पे पुलिस है तो आजकल चालान बहुत इन्होंने करे हुए हैं। सो आई विल मीट यू गाइस एट होम। सो फाइनली आई एम बैक होम। आज का वर्कआउट टायरिंग बहुत था। मैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट पूरा शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने किसी ट्रेनर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरा वर्कआउट शूट कर दो, तो उन्होंने मेरा वर्कआउट तो शूट कर दिया लेकिन मेरे को बार बार बोलते हुए थोड़ी शर्म आ रही थी।
सो ट्राइसेप्स का वर्कआउट पूरा तो नहीं शूट हो पाया, पर जितना भी हो पाया आई थैंक हिम अ लॉट अबाउट दैट थिंग. सो बाकी जिम वॉज वेरी नाइस. जिम बहुत खुल्ला डुल्ला था एंड कोरोना वायरस का जो टाइम है ये, इस टाइम पे मुझे खाली जिम चाहिए, जो कि वो था. सैनिटाइजेशन वाइज मैं अपना भी डिसइनफेक्टेंट स्प्रे लेके गया हुआ था और उन्होंने भी सैनिटाइजर प्रोवाइड करा, विच इज़ अगेन अ गुड साइन. एंड कार्डियो भी मैंने एज यूजल 30 मिनट्स ही करा है, 30-40 मिनट्स जो मैं करता हूँ. वर्कआउट लेकिन बहुत बढ़िया हुआ है आज, अमेजिंग वर्कआउट. एंड जिम वॉज वेरी नाइस. क्रिस गेथिन का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन था, एंड प्लस उनके जिम में जाके और अच्छा लगा और मज़ा आया. सो लेट्स सी कि अब मैं कौन सा जिम ज्वाइन करता हूँ, बिकॉज मेरे 3-4 दिन ही रह गए हैं चिजल की मेंबरशिप ओवर होने में. सो अभी देखते हैं. एंड अब मैं जाऊँगा शावर लेने, उसके बाद आपको मिलते हैं अपने लंच के साथ. सो ये है मेरा आफ्टर शावर रूटीन. 5 आलमंड्स, 2 कैश्यूज एंड 1 अंजीर. और ये मेरी बहन जिसको कोरोना सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन पता नहीं है अभी. अब है हमारी सब्जियां बनाने का टाइम. इनकी गैस ऑन कर दे. और ये है शिमला मिर्च ट्राई कलर, जो कि इसके ऊपर डलेंगी. सो अभी तक तो वैसे मेरा चिकन रेडी हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाया बिकॉज मेरी सर्वेंट OTG का स्विच लगाना भूल गई, जो कि अब मेरे को उस चक्कर में भूख लग रही है. तो मैंने कहा पहले मैं वेजिटेबल्स से शुरू कर लेता हूँ, बिकॉज मैं फास्टिंग पे था. फास्टिंग एज इन कि मैंने रात का 7 बजे या 7:30 बजे का खाया हुआ है. एंड अभी बज रहे हैं 2. फास्ट तो ब्रेक कर चुका हूँ मैं अपना, नट्स वगैरह खा के, बट ये है कि आजकल मैं बिंज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ चीज़ों पे. आई डोंट नो, मैं डाइट पे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरी हेल्थ भी थोड़ी प्रॉपर अभी नहीं चल रही थी. सर्दी जुकाम, कॉमन जो आजकल फ्लू फैला हुआ है वो चल रहा है, तो आई वॉज ऑन मेडिकेशंस ऑल्सो, तो इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल भी नहीं कर रहा था ऑनेस्टली. बट मैंने आज से डिसाइड करा कि मैं आज थोड़ा कंट्रोल करूँ अपनी डाइट पे, काफ़ी दिन हो गए हैं. तो मेरा चिकन टिक्का वगैरह रेडी हो जाए, मेरी लो कार्ब रोटी रेडी हो जाए, फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ. तो ये देखो हमारा चिकन टिक्का एयर फ्रायर में रेडी हो चुका है और ये अब पक रहा है गैस पे. सो ये पकने के बाद, खाने के बाद आपको मिलता हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख. ये मेरा लो कार्ब आटा है और इसकी बनेगी रोटी. इसका मैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ. अब हमारे लंच के बाद टाइम है मैजिक ड्रिंक का. तो ये है अब मैजिक ड्रिंक मेरा और इसको पीने का टाइम. इस मैजिक ड्रिंक का नाम है ल्यूमिनेक. ये है दवाई जिसका स्वाद बहुत अच्छा है लेकिन खाने के बाद घबराहट भी होती है. सो ये म्यूकस कंट्रोल करने की है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा था. सो मुझे म्यूकस बहुत ज़्यादा आजकल आता है, तो डॉक्टर रेकमेंडेड दिस फॉर मी. सो इसकी 2-3 दिन की डोसेज है, आई थिंक कल ख़त्म हो जाएगी. एंड मेरा लंच भी ख़त्म हो चुका हुआ है. अब मैं आपको अपने ब्रदर से मिलवाता हूँ थ्रू व्हाट सोर्स, ये आपको पता लग जाएगा अभी. सो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या सोर्स है. हाँ भाई, एक्सट्रीमली पॉजिटिव इंसान. सो ये है मेरा भाई, जो कि हम वीडियो कॉल पे ही सिर्फ देख रहे हैं इसको पिछले 10 दिनों से. और सन्नी, कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा पॉजिटिविटी का? सो गाइस, इसको कोरोना वायरस हो चुका हुआ है विद हिज वाइफ. उसकी वाइफ को भी हो गया है, बट हो थैंकफुली ताया ताई जी को नहीं हुआ, इसके बेटे को नहीं हुआ. बट ये सही है, तो पूरा अपना जो टाइम है गेम खेलते हुए इसने काटा है, जो कि मुश्किल ही है. आज टेस्ट कराया तूने? आज कराया है. चल भगवान करे तेरा टेस्ट अच्छा आए. तेरा तेरा जो रिजल्ट है भाई, वेरी नेगेटिव ही आए. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तू, अब तेरा थोड़ा नेगेटिव आए. चल फिर. अच्छा,
टेक केयर भाई, गेट वेल सून। सो गाइज, आज के व्लॉग को हम यहीं करते हैं समाप्त। आज का जो व्लॉग है वो बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है एंड बहुत लाइट है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आज मैंने अपना जिम बहुत इन्जॉय करा, मुझे मज़ा तो आया उस जिम में, बट थोड़ा सा दूर था मॉल की पार्किंग में जाना एंड ऑल, थोड़ा सा वो हेक्टिक है, बट लेट्स सी विच जिम आई विल ज्वाइन। तो वो तो अब दो तीन चार दिनों के बाद ही पता लगेगा कि मैं अपना पुराना जिम ज्वाइन करूँगा या फिर ये क्रिस गेथिन वाला। सो तब तक के लिए अब मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो को लाइक दे देना। थैंक यू।